आकाश भाई, जिस तरीके से बॉलर्स से आजकल एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि थोड़ी बैटिंग सीख के आओ, ये बैट्समैन से क्यों एक्सपेक्ट नहीं किया जा रहा, जाओ थोड़ी बॉलिंग सीख के आओ? नहीं, बिल्कुल करना चाहिए एक्सपेक्ट, लेकिन वो होता ना कि जैसे आप से भी देखो एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि आप ऐसा करो, जो आपके बॉस हैं उनसे कम एक्सपेक्टेशन है। तो हमारा जो देश है वो बैटर देश है, वी आर अ बैटिंग कंट्री। तो हमारे यहाँ सारे, जो मैंने पहले भी कहा ना कि टीम 150 पे आउट होगी तो बॉलर ड्रॉप होंगे। मतलब वो बॉलर ने अच्छी बॉलिंग नहीं की इसलिए बैटर आउट होगा। तो बैटर को कोई नहीं कह रहा कि भाई बॉल डाल यार। तो इसमें अगर इसी वजह से तो तिलक वर्मा की तरफ आप गए हैं, पर उसमें भी पूरा कमिटमेंट नहीं है, वो हाफ कमिटमेंट है कि रखा तो है पर खिला नहीं रहे, खिला रहे हैं तो बॉलिंग नहीं करा रहे। बिल्कुल। पर शोएब भाई, आपकी तरफ जो बॉलर्स हैं वो तो अच्छे खासे शॉट लगा लेते हैं, आप लोग उनको क्या अलग से ट्रेनिंग दे रहे हो अपने 8, 9, 10, 11 को कि थोड़ा से लंबे शॉट लगाओ? वो आपके वाले 8, 9, 10, 11 दिख रहे हैं, हमारे वाले सिर्फ 7 के बाद 11 ही निकल रहे, चारों 11। नहीं, शाइन को शौक पड़ा है बैटिंग का, नसीम को बड़ा शौक है बैटिंग का, उनको एक्चुअली जेन्युइनली बड़ा शौक था, और हारिस को बड़ा शौक है बैटिंग का। तो ये शौक की बात है। तो आई डोंट नो, देखे बुमराह ने 16 रन किए ना जी, देखे ना कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूट तो किया ना उसने, लेकिन ये है कि 240 शाहीन अफरीदी नसीम का सब तगड़े हैं। हाँ। बिल्कुल, वो बैटिंग करने के लगता है बैटिंग। अब चहल को देख के हम कैसे मान लेंगे ये क्या नहीं, बट एक और बात तो शोएब, शोएब विल ऐड ऑन कि अगर आपकी ना वैसे वैसे लॉजिकली अगर आपकी बैटिंग थोड़ी कमजोर हो ना, तो नीचे वालों की बैटिंग आती है। और यहाँ पे PSL का मैं एक्चुअली उसमें बड़ा मैं फॉलो भी करता हूँ, देखते हैं कैसा खेलते हैं वो। तो उसमें शाहीन ने तो मतलब एज अ बैटर भी मैच जिताए हुए हैं। अच्छा। तो बैटिंग का शौक तो है ही है, टीम का कप्तान भी है, और बैटिंग करते हैं, तो बैटिंग करने जाते हैं, तो हमारे तो बैटिंग करते ही नहीं है। और अब नेपाल के मैच में नहीं आएगी ना बैटिंग, पर होपफुली अब नहीं आएगा। तो वैसे वैसे लेकिन पाकिस्तान में हमेशा ऐसा नहीं होता है, बैटिंग आती है, लोग करते हैं, नवाज भी करते हैं, ऑलराउंडर्स स्टिल आर एक्चुअली इन वोग, हमारे अनफॉर्चुनेटली नहीं है। पर ये बात गाइस ने सही की, सर शादाब भी PSL में बैटर बन के ऊपर आए, वो भी बैट्समैन बन के ऊपर वन डाउन टू डाउन आते हैं, आना शुरू कर दिया उन्होंने, वो बैट्समैन बने, हालांकि एज अ बॉलर इंट्रोड्यूस हुए थे पाकिस्तान में, तो 10 ओवर करते भी हैं और बैटिंग भी पूरी करते हैं, ये बात ठीक कह रहे हैं। पर शोएब भाई, आपके जो जमाने में तो सारे के सारे जो टॉप ऑर्डर बैट्समैन थे वो भी मतलब बॉलिंग थोड़ी बहुत कर लेते थे, आजकल के लड़कों में क्या हो गया जो टॉप बैट्समैन है वो बिल्कुल ही बॉलिंग नहीं करना चाहते? पता नहीं यार, अब मैं इसका क्या जवाब दूं, ये बॉलिंग मशीन वगैरह से रिलेटेड तो नहीं है, ये बॉलिंग मशीन वगैरह से रिलेटेड तो नहीं है यार, ये जो अपने कैंप की बात कर रहे हैं, मुझे नहीं पता, आपके आपके कैंप की बात कर लेता हूँ। वन इज द मोस्ट अंडररेटेड बॉलर ऑफ द इंडियन हिस्ट्री, अगर आप निकालोगे ना, आपको बिलीव नहीं करोगे कि उसने कितने मैच जिताए इंडिया को, वो आप बिलीव भी नहीं करोगे, वो कौन है? सचिन तेंदुलकर और सौरव गांगुली, और सौरव गांगुली वो टोरंटो में तो सारे मैच अंडररेटेड, अलग ही चले गए। जहां इंडिया फंसेगा ना, इंडिया जब हाथ खड़े कर दिए बॉलिंग में, ले जी सचिन साहब ये बॉल पकड़े यार, प्लीज विकेट लेके दें, और वो विकेट लेके देते थे। अच्छा, लेग स्पिन वॉक करें, ऑफ स्पिन वॉक करें, फास्ट बॉलिंग वॉक करें, बैटिंग फिर वॉक करें, स्लिप में कैच भी करें, और दूर जाके फील्डिंग भी करें। सो आई थिंक ये एक शौक की बात है। तो मुझे लगता है कि पुराने जमाने में 11 ओवर से लेके ये लोग तक इनको शौक बड़ा था। मुझे बड़ा शौक था बैटिंग का, तो एक दिन मैं चला गया नाइट वॉचमैन, मैंने 5 आउट किए हुए थे इंग्लैंड के खिलाफ, तो शाम के वक्त मैं बॉलिंग करके कोई 18-20 ओवर किए हुए थे, इंग्लैंड बेचारी फंसी हुई थी, ऐसी जीत के आई थी 2005 में, तो मैंने जाके आउट फट कर दिए, 100 रन मारे तो कर दिए, तो मैं आप बड़ा जज्बे में था, माय स्पिरिट वाज रियली हाई, तो मैंने एनजी भाई से कहा, एनजी भाई को मतलब हो भाई हाजिर है, और मुझे क्या पता बैटिंग आ नहीं, बैटिंग आ जाएगी, बैटिंग आ गई, आगे से वो सारे दूष टाइप लोग वो लगे हुए हैं शाम को, और तो मुझे 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 टीममेट ने मुझे थोड़ी सी मोटी सी गाली दी, उन्होंने कहा पागल तो नहीं है तूने, ये क्यों हरकत की तूने? मैं कहा तो बारी आ गई, मैं क्या करूं, मैं कैसे करूं, तो अंदर भाग जा, मैं कहीं अंदर भाग सकता, अब मैं कैसे अंदर जाओ, दूसरा तैयार ही नहीं, और मैं फिर चला गया अंदर। यार मुझे उन्होंने तो 12 बॉलें मारी, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, अच्छा आउट भी किया हुआ मैंने 100 रन पे, उन्होंने मुझे इतना गुस्सा निकाला उन्होंने। अच्छा
बाय द वे मैंने वो सेशन सरवाइव किया, सुबह मेरे साथ मोहम्मद यूसुफ खड़ा था, शाम को भी खड़ा था, सुबह भी यूसुफ खड़ा था। इतना टैलेंटेड प्लेयर यूसुफ, यकीन करें छह बॉलों में से एक बॉल वो खेलता था, पांच में खेलता था। मुझे कहता था शेबी तूने मुझे बता दिया खेलना कैसे है यार, तूने पूरे पाकिस्तान टीम को बता दिया। मैंने इतनी मोटी गाली निकाली, मैं इधर आ बैटिंग करो, इधर आके मैं पांच बॉलें खेल रहा हूँ, मुझे फिर चार बॉल लग चुकी है। तो वो आखिरी दिन था मेरी बैटिंग का, मैंने उसके बाद अल्लाह से माफी मांगी, मैंने कानों को हाथ लगाया, मैंने उसके बाद बैटिंग के लिए ऑप्ट नहीं कभी किया। Z News.